नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, अगर आप लोग भी माइग्रेन के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो पांच चीज़ें आप लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए जिनको लेके आप लोगों को तुरंत आराम मिलेगा। तो माइग्रेन का दर्द बहुत तकलीफदायक होता है, इससे सिर का आधा हिस्सा दर्द होता है जो बेचैन कर देता है। अगर एक बार माइग्रेन की शिकायत किसी को हो गई तो उसे जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे दर्द को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। माइग्रेन दर्द के साथ कई बार बेचैन, जी घबराना, उल्टी आना और तेज रोशनी से घबराहट महसूस होने जैसी परेशानी भी होती है। इससे बचने के लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय आप लोगों को फॉलो करने चाहिए जिन्हें अपनाकर आप माइग्रेन दर्द की समस्या से बच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूं माइग्रेन दर्द से आप लोग कैसे राहत पा सकते हैं, वो भी कुछ ऐसे नुस्खों को अपना के जो नुस्खे आपके घर में इजिली ही आपको मिल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे आप लोग माइग्रेन दर्द से राहत पा सकते हैं और कौन से वो उपाय हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपके घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज है काली मिर्च और पुदीने की चाय। काली मिर्च और पुदीने की चाय भी माइग्रेन के दर्द से आपको राहत देगी। इसके लिए चाय में पुदीना और काली मिर्च डाल दें। अगर आप चाय की जगह कॉफी पीते हैं तो भी टेंशन की जरूरत नहीं है, कॉफी में भी पुदीने की दो तीन पत्तियां डालकर आप लोग पी सकते हैं। वहीं दूसरा नुस्खा जो है वो है नारियल का तेल। माइग्रेन के दर्द में नारियल के तेल की मसाज बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। इस तेल से सिर की मसाज करीब 10 से 15 मिनट तक करें, ऐसा करने पर सिर में ठंडक पहुंचेगी और राहत मिलेगी। वहीं तीसरा नुस्खा जो है वो है पिपरमिंट का सेवन। माइग्रेन के दर्द में राहत पाने को पिपरमिंट एक अच्छा उपाय है। इसे आप चाय में डालकर भी पी सकते हैं, ऐसा करने पर सिर दर्द से आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। वहीं चौथा नुस्खा जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो है लहसुन का रस। माइग्रेन के दर्द में लहसुन का रस भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए बस आप लोगों ने 5 से 7 लहसुन के टुकड़े लेने हैं और इसे कूटकर इसका रस निचोड़कर आप लोगों ने इसका रस पी लेना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी माइग्रेन के प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वहीं पांचवा नुस्खा जो है वो है बर्फ से सिर की मसाज करना। अगर आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो आप लोग बर्फ से सिर की मसाज आइस पैक से कर सकते हैं, ऐसा करने से बहुत जल्दी आप लोगों को राहत मिलेगी और जो माइग्रेन के आपको दर्द हो रहा है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे नुस्खे जो आपको माइग्रेन के दर्द से तुरंत आराम दिलाएंगे। अगर आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इन नुस्खों को जरूर फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को इन नुस्खों को फॉलो करके जरूर राहत मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई आज की ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।